रूस यूक्रेन वॉर तीसरा दिन। यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल हमला। रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल हमला। आम नागरिकों में चीख पुकार। सड़क पर मिसाइल हमला। ये बात मेरे लिए रॉकेट लॉन्चर से हमले। बंकर में छिपी आम जनता। कीव से कितनी दूर रूस की आर्मी। यूक्रेन की हार या रूस का लंबा इंतजार। वॉर का तीसरा दिन, पूरी पिक्चर। पुतिन रुकेंगे नहीं, जेलेंस्की झुकेंगे नहीं। आज की तारीख निर्णायक। क्या आज की तारीख निर्णायक है? क्या तीसरा दिन समाप्त होते होते युद्ध का परिणाम तय होने वाला है या पिक्चर अभी बाकी है? आज देश हित के वॉर एडिशन में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एहसान पुतिन कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए युद्ध के तीसरे दिन की 5 बड़ी खबरें। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 821 सैन्य ठिकाने तबाह किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, मैं भागूंगा नहीं, लड़ूंगा। अमेरिका यूक्रेन को $350 मिलियन की सैन्य मदद देगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, दुनिया लंबे युद्ध के लिए तैयार रहे। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत से सहयोग मांगा। पीएम मोदी ने शांति कायम करने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। अब आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच वॉर के तीसरे दिन क्या कुछ हुआ। हमले की बड़ी तस्वीरें देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर हमले का तीसरा दिन है। भीषण युद्ध जारी है। जंग कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? यूक्रेन की राजधानी कीव रूस की फौज से कितनी दूर है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्या कर रहे हैं? हम आपको एक एक डिटेल बताने और दिखाने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई तीसरे दिन पहुंच चुकी है। यूक्रेन से लगातार जंग की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस की फौज यूक्रेन की राजधानी कीव के पास पहुंच चुकी है। रूस के सैनिक कीव के अंदर जाने से पहले मिसाइल और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए एक हाई राइज बिल्डिंग पर रूस का मिसाइल हमला। यह बिल्डिंग यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद है। यूक्रेन के वक्त के मुताबिक सुबह 8:12 पर रूस ने इस बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला किया। आप आसमान में देख सकते हैं, आसमान में धुएं का बड़ा गुबार उड़ाती हुई मिसाइल आई और बिल्डिंग पर जा टकराई। इस बिल्डिंग में आम नागरिक रह गए।
इस मिसाइल हमले की दूसरी तस्वीर भी देखिए। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि सीधा बिल्डिंग को निशाना बनाकर मिसाइल दागी गई, टारगेट भी बिल्कुल सटीक था। मिसाइल बिल्डिंग के 17वें और 18वें फ्लोर पर जाकर टकराई। इसी बिल्डिंग पर हमले की अब तीसरी तस्वीर देखिए। ये बिल्डिंग के एक फ्लैट का वीडियो है। ये घर का ड्राइंग रूम है, सब कुछ शांत था, तभी अचानक तेज आवाज के साथ आग का गोला शीशे में चमकता है और इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। मिसाइल जैसे ही बिल्डिंग से टकराई, लाइट गुल हो गई, आग, धुएं और बिल्डिंग के मलबे का गुबार कमरे के अंदर भर गया। अब हमले की चौथी तस्वीर देखिए। मिसाइल हमले से बिल्डिंग के 16वीं और 17वीं मंजिल तबाह हो गई। तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग के 2 फ्लोर अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए इस मिसाइल हमले की एक साथ 5 कैमरों में रिकॉर्ड तस्वीर देखिए। हमले का एक एक सीक्वेंस इन 5 तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। हमले के बाद इमारत में रह रहे लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू हुआ। घायलों को बिल्डिंग से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बिल्डिंग पर मिसाइल हमले में कितने लोग मारे गए या घायल हुए हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। युद्ध के तीसरे दिन की दूसरी भयानक तस्वीर देखिए। एक कार सड़क से जा रही थी, तभी एक फाइटर जेट ने बमबारी की। ये हमला भी रूसी फौज का था। यूक्रेन के खेरसोन में गैस स्टेशन पर रूस ने बमबारी की। एक चश्मदीद के मोबाइल कैमरे में बम गिराने का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। ये हमला किंडी हाईवे के पास हुआ। इस जोरदार धमाके में कितने घायल हुए, कितने मारे गए, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई। एक बार फिर से देखिए कैसे हुआ यह हमला। हुआ अंधेरे को चीरते लाल आग के गोलों ने माहौल को दहशत से भर दिया। इस हमले ने सड़क पर जा रही एक गाड़ी को आग के गोले में तब्दील कर दिया। यह फौजी गाड़ी थी या आम नागरिक की, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। ये तस्वीर यूक्रेन में बागियों के कब्जे वाले लुहांस शहर के पास स्टारोबेल्स की है। रूसी सेना के मुताबिक यूक्रेन की आर्मी रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। दावा है ये तस्वीर ऐसे ही एक रिहायशी इलाके की है। बम और मिसाइल हमले के बाद घरों में आग लग गई। रूस के मुताबिक कई घर तबाह हो गए और बहुत से आम नागरिक घायल हुए हैं। जंग के तीसरे दिन एक और तस्वीर सामने है। ये तस्वीर एक रूसी सैनिक की है। यूक्रेन के आम नागरिकों ने रूस के एक सैनिक को पकड़ लिया है। वीडियो में रूस का सैनिक कान पकड़ रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने अपने आम नागरिकों को भी हथियार थमाए हैं, जिससे वो खुद की रक्षा कर सके। जंग के तीसरे दिन भी यूक्रेन की राजधानी कीव में सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। कीव के मेडन स्क्वायर पर हवाई हमले का सायरन रह रहकर गूंज रहा था। यूक्रेन ने कीव में अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि वो बंकर या शेल्टर में ही रहें, घर की खिड़की या बालकनी के पास ना जाएं। यूक्रेन के मुताबिक कीव सिटी सेंटर के दक्षिण में रूस की सेना से जंग चल रही है। यूक्रेन और रूस दोनों तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 821 सैन्य ठिकाने, 14 मिलिट्री एयरफील्ड, 24 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 7 एयरक्राफ्ट और 9 यूएवी तबाह कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 1000 से ज्यादा सैनिक, 14 एयरक्राफ्ट, 8 हेलीकॉप्टर, 50 टैंक और 536 युद्धक हथियार मार गिराए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस आम नागरिकों यानी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमला कर रहा है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के आरोपों का खंडन किया है। группировки войск Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики при огневой поддержке вооруженных сил России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления. वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी
कीव के सिटी सेंटर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन की सेना कड़ा मुकाबला कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना रूस की ताकत पर फौज के सामने कितने वक्त तक टिक पाएगी अभी कहना मुश्किल है। लोगों ने बंकर में शरण ली हुई है। शहर के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में लोग बम और मिसाइल हमले से बचने के लिए छिपे हुए हैं। इस बीच कीव से लोगों का जाना जारी है। पूरे शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।